जिंदगी भर अगर पत्थर तोड़ता रहेगा ना तो भी घर नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? वो सोचता ही नहीं, उसके बियॉन्ड जाता ही नहीं, वो उसका सुपरवाइजर तक नहीं बनता, जबकि एक सुपरवाइजर उसको रोज गाइड कर रहा है और वो सुपरवाइजर से ज्यादा उसको नॉलेज होती है कि कौन सा स्ट्रोक मैं मारूंगा तो ये पत्थर टूट जाएगा, फिर भी उसका हेड नहीं बनता। ऐसी कई ब्यूटिशियन से मैं मिल चुका हूं जो काम करती रहती है लेकिन उसकी हेड बनने की कोशिश नहीं करती। आप जिस लोकेशन में हो उस लोकेशन के हेड बनने की तो कोशिश करो कि यहाँ की मैं मास्टर हूँ, यहाँ के लोग मेरे से सीख रहे। आप बहुत सारे एजुकेशन देते हो, बहुत सारे लड़कियों को सिखा रहे हो, लेकिन क्या सिखा रहे हो? पहले क्लिनजिंग मिल लगाना पड़ेगा आपको। क्यों लगाना पड़ेगा? क्लिनजिंग मिल प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी दे सकता है? क्या है प्रोडक्ट? ठीक है मैम, जरूरी नहीं है ना कि आवाज वैसे ही मस्त है। ब्यूटीफुल सॉन्ग क्लिनजिंग में ये वाटरी प्रोडक्ट है या ऑयली प्रोडक्ट है? कितने लोग ऑयली में और कितने वाटरी में? वाटर आप ऐड करते हैं वो प्रोडक्ट को ऑयली है या वाटरी? प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑयली है, बाहर से आया हुआ पर्सन जो है उसके चेहरे पे ऑयल है। किसी भी चीज को पानी में डुबा के मैं उसको वॉश करने बैठ जाऊं क्या सारा ऑयल निकल जाएगा? तो इस बॉडी में कितने पोर्स हैं? भगवान ने मजाक तो नहीं किया था कि बैठे बैठे सुई मार दे रहा, क्या काम ही नहीं है, चलो टाइम पास कर रहा है। हम करते हैं लेकिन वो नहीं कर सकता ना। हम तो कॉर्नर तोड़ते हैं, पेन मारते हैं, पेन को तोड़ते हैं, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। लेकिन जब बॉडी बनाई गई थी तो इसमें से वेस्टेज बाहर आना चाहिए और ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए। अब मैं इसको ऑयल में वॉश कर देता हूँ तो मेरा क्या होगा? इसीलिए दूसरा तीसरा प्रोडक्ट बॉडी 15 सेकेंड में जो पिकअप करना है पिकअप कर लेते हैं। ये अगर आपके साइंस में एजुकेशन में आया है कि बॉडी जब कोई चीज पे अप्लाई करते हैं तो 15 सेकंड के अंदर वो पिकअप कर लेती है। आप पानी पियोगे 5 मिनट के अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी हो वो उतना है उठा लेगी, बाकी वेस्टेज बाद में की। कई लोगों को वाटर पीने के 5 मिनट बाद इमीडिएटली यूरिन के लिए जाना पड़ता है क्योंकि वाटर एक्स्ट्रा हो गया और उसके बॉडी में वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। बहुत सारे एक एक घंटा नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 5 मिनट में जाते हैं। एक्सपर्टाइज नॉलेज आपको देना है कि क्या काम हुआ है। ओके, क्यों
नहीं देगा, इस डर से एक घंटा चल रहा है या और कोई तरीके? मैंने तो कई न्यूट्रिशन सबसे। वो मैं आज मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ वो
वो साईं बाबा के हास्य वास्य करा, कैसे मुकेश जी ने बोला आंसू शुगर हुआ है, अभी 3 महीना पहले हुआ मुझे शुगर, आज मेरे में पावर नहीं है। अभी आप भी आप चेक करेंगे, अभी जैसे 400-500 शुगर अभी भी होगी, उसके बाद भी वहाँ से मैं यहाँ पे आया। वो ये सब साईं बाबा के आशीर्वाद को आपका सबका आशीर्वाद है, जो मैं हर गुरु आपको बिना कुछ विचार किए हुए खाना कुछ ना कुछ सेवा कर रहा हूँ मैं। ये मेरा 15 साल से है, बच्चों के अनाथ बच्चों के हिसाब से ही, किसी को कुछ भी चाहिए मेरे से जो भी पहचान या कुछ पैसा नहीं दूंगा मैं, जो भी खाना है खाओ, पहचान कुछ भी करना है खराब कर दूंगा मैं। और अभी दिसंबर के महीने बस वीक में इनको भी मालूम है सर, उस समय मैं घर पे भी आए, मैं अभी 11 लड़कियों की शादी करा रहा हूँ मैं। कुछ बच्ची है जो उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब से गरीब है, उनकी शादी करा रहा हूँ, वो मैं अकेला मैं करा रहा हूँ मैं। मेरे साथ में कौन भी नहीं है, मेरे साथ में ऊपर वाले हैं। ओ आज मेरे पास पैसा जेब में उठे नहीं है, ये मुझे भरोसा विश्वास है कि ऊपर वाला मुझे सपोर्ट करने वाले, वो आप सब साथ में है, वो मुझे वो कुछ है ही नहीं ऐसे। बस यही है, ये नवंबर का दिसंबर का बस वीक में करना रहा हूँ। वो आपका भी सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे। अरे आपके नज़र में कौन भी लड़की जो किसको शादी करानी है वो आप मुझे बोलना, मुकेश भाई वो बोल दीजिए आप। इसके बाद में फरवरी के महीने में एक एनजीओ के साथ में ज्वाइन हुआ है मैं, फरवरी के महीने 250 मेंबर की शादी हो रही है, इसमें दिसंबर में नहीं हुआ आपका 250 नवंबर फरवरी के महीने में भी हो जाएगा। तो आपके नज़र में क्या पर कौन भी बच्चे या आदिवासी कौन भी होएंगे, आप मुकेश जी को बोलिए। ये भी एक समाज सेवा है, सेवा एक करना एक अलग हिसाब है, ये सबको समय निकालना बहुत भारी है। मुकेश जी ने बहुत अच्छे सेवा की हुई है, हम समाज सेवा के हिसाब से मिले हुए। मैं खुश नसीब हूँ कि मुकेश जी ने मुझे यहाँ पे बुलाए, वो आपके सबके सामने बुलाए, तो मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत सर। समाज सेवा
फाउंडेशन लिया है, 24 आवर लॉन्ग वेल है, लिक्विड फाउंडेशन है, फेशियल कलर का है, मैं ओनली 2 ड्रॉप्स में पूरे फेस को कवर करूँगी। सब्जेक्ट देने जा रहे हैं वो भी लोगों को पसंद आए, उसके रिजल्ट अच्छे लगे, हमने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए उसके रिजल्ट लोगों को अच्छे लगे, तो ओवरऑल रिजल्ट की वजह से कॉन्सेप्ट में काफ़ी हैप्पीनेस आया, लोग हैप्पी हैं। देखा मुनूम में जितनी बैठा है प्रोग्राम, लोग कांदे वाली बोली बोली और कहाँ कहाँ से लोग आए। हाँ, ये प्रोग्राम मुलुंड में इसलिए रखा क्योंकि मेरा ऑफिस मुलुंड में है और हम पहला प्रोग्राम ऑफिस के नज़दीक करके पैन इंडिया जाना चाहते हैं, क्योंकि इमीडिएट 3 साल से हम बैठे हुए हैं, हम कोई प्रोग्राम ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब अगर 3 साल के बाद हम वापस फील्ड पे आते हैं तो बहुत सारे सवाल आएंगे, ऐसे उम्मीद थी लोग ऑफिस देखना चाहेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम जिस हिसाब से हुआ लोगों के सवाल जगह पे सॉल्व हो गए और किसी ने ऑफिस के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे चला गया, लोग भरोसे पे 100% सेटिस्फाइड है। प्रोडक्ट अभी तक हम लोग ने 58 प्रोडक्ट लॉन्च किए, 100% वेज कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चल रहे हैं, ये मेडिकेटेड हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट है जिसमें हेल्थ में मैं पैरालिस तक काम कर सकता हूँ एज ए एक्सपर्ट, और स्किन पे मैं सोराइसिस तक काम करता हूँ कितना भी डैमेज हो, मेरे इमेजेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको देखने को मिलेंगे, यूट्यूब पे पैरालिस के कुछ पेशेंट्स के हमने जो पेशेंट ठीक किए, ये कोरोना काल में 3 पेशेंट को खड़े किए, उसके स्पॉट में 10 मिनट के अंदर जो पेशेंट खड़े हुए उसके वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया था, क्या हो गया? एक 10 साल के सफ़र में जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि 10 साल पहले तो मैं बच्चा ही था, मुझे फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो जिन्होंने सपोर्ट किया, रास्ता दिखाया, उसमें सोशल वाले थे और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज थे, मीडिया वाले थे, उन सबको मैं पहली बार सम्मानित कर रहा हूँ, तो आज उनको सम्मानित करके मैंने एक नए कदम की ओर रखा है और अब हम लास्ट स्केल पर जा रहे हैं। नया सिस्टम क्या होगा? नया हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नेचुरल रिसोर्स को क्यों अडॉप्ट करना है इस टेक्नोलॉजी को बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी को इतना उठा रही है कि जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं, वो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं।